स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। 3D ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्लास 12th। लेट n वेक्टर बी ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3। एक वेक्टर n है जिसका मैग्नीट्यूड है 2√3, सच दैट इट मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो वेक्टर है तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, जो कि एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटे हैं। तो फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो मैं एक प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और नॉर्मल टू दिस वेक्टर। एन वेक्टर उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है और इस पॉइंट से वो प्लेन पास कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है, लेट कर लेते हैं एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तीनों के साथ इक्वल एंगल हमारा ये बना रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा तीनों इक्वल हैं। अब हम सभी को पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है किसी वेक्टर के अलोंग वो होता है एल आई प्लस एम जे प्लस एम के एंड ये भी हम सभी को पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यानी यहां पे हमारा आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं, तो इसलिए हमने सबकी जगह अल्फा 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 कर दिया। तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। तो यहां पे कर देते हैं कोस अल्फा हो गया 1/√3। अब हम ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एक्यूट एंगल है, नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे। तो हमारा जो एन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर कितना हो गया 1/√3, 1/√3 जे, 1/√3 के। ये हमने यूनिट वेक्टर निकाला है। अब क्वेश्चन में एक बात और दे रखी है कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2√3। तो इसका मतलब जो हमारा एन वेक्टर है वो क्या हो गया एन कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन, यानी 2√3 अपॉन √3 आई जे के। तो ये हमारा एन वेक्टर आ गया। एन वेक्टर कितना आ गया 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब क्वेश्चन में बोला है प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग कौन सा पॉइंट है 1-1 2 एंड नॉर्मल n, इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है r n वेक्टर a डॉट n वेक्टर, ये हमारा a वेक्टर हो जाएगा। तो r डॉट n का मतलब r 2i प्लस 2j प्लस 2k और a वेक्टर यहां पे हमारा कितना है i माइनस j प्लस 2k। तो a डॉट n करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई। तो
क्वेश्चन में कार्टेजियन इक्वेशन भी पूछी है, तो कार्टेजियन इक्वेशन क्या होगी, आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टू, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने उस प्लेन की दोनों इक्वेशन निकाल दी है, वेक्टर और कार्टेजियन। जो प्लेन नॉर्मल n के परपेंडिकुलर है, मतलब n उसका नॉर्मल है, और वो जो इस पॉइंट से हमारा प्लेन पास कर रहा है। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 3D ज्योमेट्री का। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी 3D की, जहां से आप 3D के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।